हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको देने वाले हैं अपना किचन टूर। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत टाइम से आ रहे थे कि आप मेरा किचन देखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है और हम आपको दिखाते हैं कि मेरा किचन कैसा है और कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। वैसे किचन काफ़ी छोटा है लेकिन हमने बहुत अच्छे से अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे हर चीज़ एक्सेसिबल है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को अभी तक इसको मैनेज करने में। तो बस हम वही आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम राइट साइड के काउंटर टॉप से, जहाँ पे गैस स्टोव रखा जाता है। तो ये एक कॉर्नर है जो कि राइट साइड का कॉर्नर है और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक रैक लगा हुआ है जो कि कॉर्नर रैक है। इसके ऊपर हमने कुछ चीजें रखी है, जैसे कि स्पाइसेस के कंटेनर्स रखे हैं, ये आप देख सकते हो, एक स्पाइस का स्टेनलेस स्टील कंटेनर रखा हुआ है। इसकी जो सेकेंड रैक में स्क्वायर शेप में वुडन कंटेनर रखा हुआ है जो कि अगेन स्पाइसेस के लिए रखा है, जो कभी कभी यूज होती हैं वो स्पाइसेस इसमें है और जो डेली यूज होता है वो इसमें रखा गया है। तो ये हो गया इसका कॉर्नर। और इसी वॉल पे कुछ आपको वॉल डेकोर देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह के फ्रेम्स हैं जो सेट ऑफ थ्री में आए थे, तो इनको कुछ इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लगाया गया, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। बिल्कुल इसी के ऊपर हम आपको लेके जाते हैं, पहले हम ये वाला कॉर्नर कवर कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आता है कुछ इस तरह का एक कैबिनेट। तो ये कैबिनेट डबल डोर का है, मतलब बस इतना ही है, बाकी दूसरे साइड में आता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको अगर दिखाएं तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो रोज यूज होती हैं, जैसे कि ऊपर तो कुछ अप्लायंसेस रखी हुई है, ये तो रोज नहीं काम आती हैं और किचन थोड़ा छोटा है तो ये चीजें हम बिल्कुल काउंटर टॉप पे नहीं रख सकते, तो इसलिए इन सबको ऊपर ऑर्गेनाइज किया है, जैसे जब ये काम यूज होती है तब हम इनको निकालते हैं। और इसके सेकेंड रैक में जो चीजें रखी हैं ये डेली यूज की चीजें हैं, इसलिए इनको बिल्कुल सामने रखा गया है, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में काम आती है, तो बस कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये ऑल ओवर कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, सामने बिल्कुल पड़ता है, तो चीजें रोज की चीजें हमने इसमें रखी है। इसके बाद आता है इसके ऊपर, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में चिमनी लगी हुई है और इसके ही बिल्कुल नीचे आता है यहाँ पे गैस स्टोव। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे फोर स्टोव का गैस गैस रखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह का इस राइट साइड का कॉर्नर ऐसा है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पैचुला होल्डर रखा है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, जब खाना बनाते हैं तो स्पैचुला रखने के बहुत काम आता है, इसका रिव्यू हमने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है जो कि स्पून्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, तो ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, इसको कुछ इस तरह से हम बंद करके रखते हैं। और अब इसके ही बिल्कुल ऊपर एक ग्लास का रैक लगाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का टी शुगर एंड कॉफी के कंटेनर्स रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करते हैं इस वॉल पे। व्हाइट कलर का है, इन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये वैसे एज अ शोपीस रखा है, ये डेली यूज में नहीं है, इनको बस ऐसे ही रखा हुआ है ताकि ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और इसी शेल्फ के ऊपर आता है दूसरे और कैबिनेट्स। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह के कैबिनेट है, सेम जैसा राइट कॉर्नर में था बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रोज काम आती हैं, तो ये यहाँ पे स्पाइसेस रखी हैं सारी सबसे नीचे, एंड ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें ही हैं जो रोज काम आती हैं, तो बस यहीं पे सामने ही ऑर्गेनाइज किया गया इनको। तो यहाँ पे बस इतनी ही चीजें हैं। इसके बाद इस तरफ एक और डोर आता है जिसमें कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो रोज काम नहीं आती हैं, जैसे कि खाली कंटेनर्स रखी हैं ऊपर और नीचे कुछ स्प्रे बॉटल्स एंड कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, कुछ बास्केट एंड जो ऐसी चीजें हैं जो काम ज्यादा नहीं आती हैं। अब आता है इसके नीचे का स्पेस। तो यहाँ पे एक
छोटा सा रैक लगा हुआ है एंड इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा एक केटल रखा है। अगेन ये एज अ शो यूज किया गया, तो शो पीस के ही तरह इसको रखा हुआ है। यहाँ पे कोई यूज नहीं होता बट बहुत ज्यादा क्यूट है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो इसके बाद अब हम आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा फिल्टर, तो ये आरओ लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे कैबिनेट के अंदर लगाने का प्लान है लेकिन फिलहाल ये बाहर है क्योंकि ये पहले का लगा हुआ है। और यहाँ पे आता है सिंक वाला स्पेस, तो ये देख सकते हो यहाँ पे सिंक कैन, यहाँ एक छोटा सा डस्टबिन रखा है ताकि जो भी चीजें यहाँ से निकलती हैं वो इसी में जाएं, ज्यादा मेस ना क्रिएट हो यहाँ पे इसलिए। और यहाँ पे एक हैंड वॉश का बॉटल रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है वो स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एक इस तरह का बास्केट रखा है जो बर्तन डालने के काम आता है जो वॉश करने के बाद। और इसके ऊपर अगेन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एज अ डेकोर रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप टी शुगर एंड ऐसी चीजें यहाँ पे रखी हुई है, आई मीन कंटेनर्स है ये कोई यूज में नहीं है, बस ऐसी रखी हुई है। वैसे दोनों ही बहुत प्यारे थे जो हमने उस तरफ दिखाया था, इसलिए इन दोनों को ही लगाया हुआ है फिलहाल। और ये चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे कोई और चीजें रिप्लेस करते रहते हैं हम लोग, तो फिर फिलहाल तो ऐसे ही रखा हुआ है। और यहाँ पे आता है कुछ इस तरह के दो और कंटेनर्स, और इसके ऊपर कुछ ऐसे ग्लासेस हैं जो कभी कोई आ जाता है घर पे गेस्ट तो फिर हम यूज करते हैं, कुछ कप्स एंड कुछ जूस ग्लासेस रखे हुए हैं यहाँ पे। इसके ऊपर आता है और कैबिनेट्स, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह के कैबिनेट्स हैं। वैसे किचन में स्पेस कम है तो इसलिए हमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ा, जो चीजें हमें डेली यूज में चाहिए तो वही सब हम ज्यादातर यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन कुछ ऐसे कंटेनर्स रखे हैं, जो दाल वाल होती है वो सब चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसकी जो नेक्स्ट कैबिनेट है इसमें भी वही चीजें हैं जो रोज काम आती है, वही चीजें यहाँ पे भी रखी हुई है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया गया ये स्पेस भी। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ की बहुत प्यारा सा एक इस तरह का डेकोर आइटम लगा हुआ है जो कि रिमेम्बर वाई यू स्टार्टेड कुछ ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और छोटा सा एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। और यहाँ पे आता है कप स्टैंड जिसमें काफी ज्यादा कलरफुल कप्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे कप्स जो मतलब एक दो टूट जाते हैं तो बच जाते हैं बस ऐसे हैं, तो डेली यूज के लिए यही अच्छे से यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे एक स्पैचुला का सेट है जो कि सिलिकॉन स्पैचुला का एक ऑर्गेनाइजर एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे ये रखे जाते हैं। और यहाँ पे एक दो बॉटल्स जो कि बहुत ज्यादा रेगुलर यूज होते हैं वाटर बॉटल्स वो रखे हैं। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये देखिए यहाँ पे आता है विंडो, तो ये विंडो आता है। वैसे हमने जैसे बताया कि चीजों को हमें यहीं पे ऑर्गेनाइज करना है किसी तरह, तो इसलिए हमने कुछ इस तरह का यहाँ पे लगाया हुआ है हुक्स, ये आप देख सकते हो हुक्स लगी हुई है, और इन हुक्स के ऊपर हम ऐसी कुछ चीजें हैंग कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है। और ऊपर आपको एक बास्केट दिख रहा होगा, इसमें रखा है किचन के जो टॉवल्स होते हैं हैंड टॉवल्स और जो बाकी चीजें हैं वो इसमें डाला गया है, और पुल करने में बहुत ही आसानी होती है, बीच से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो अगेन एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑर्गेनाइजर है ये। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा वीडियो जस्ट बिकॉज विंडो है सामने इसलिए, लेकिन ये कुछ इस तरह का दिखता है ये कॉर्नर। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे पैन्स एंड तवास यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। इसके बाद अगर इसके नीचे आएंगे हम, तो ये देखिए ये है यहाँ पे एक इस तरह का रैक ऑर्गेनाइजर जिसमें कुछ बैग्स रखे हैं, पोटेटो ऑनियन ये सब चीजें रखने के काम आता है। और यहाँ पे एक स्टूल रखा है जो कि कुछ ऊपर से उठाने होती है कोई चीज, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। अगेन अब हम इस साइड अब हम आपको ये वाला स्पेस दिखा देते हैं, तो यहाँ पे फ्रिज रखा है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का फ्रिज आ जाता है, ये डबल डोर फ्रिज, तो ये देख सकते हो आप ये कुछ इस तरह के ब्लैक कलर में है। और इसके बाद यहाँ पे तो हमारा किचन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक शेल्फ है जहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी चीजें रखी हैं जो डाइनिंग हॉल में भी दिखता है और किचन का भी एक पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, ऐसी क्रॉकरीज रखी हैं जो देखने में भी अच्छी लगती हैं एंड साथ में कभी कभी यूज भी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक कुछ इस तरह का कैबिनेट है जो कि ग्लास एंड आयरन मटेरियल में है,
और इसमें केटल्स रखे हैं, सेकेंड रैक में कुछ बाउल्स हैं, नीचे सूप बाउल्स, कुछ इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इसके ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हो इस तरह का एक कुकीज कंटेनर रखा है जो कि सिरेमिक में है, एक ब्रेड कंटेनर है जो कि आयरन मटेरियल में है, और यहाँ पे बहुत प्यारा सा फ्लावर वॉस लगा है जो कि देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और अब हम आपको यहाँ से नीचे का स्पेस दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के कैबिनेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमने जो बर्तन है वो सारी चीजें रखी है, मिक्सर रखी है, ये एक टॉवल यहाँ पे टांगा हुआ है जो की हैंड टॉवल है। इस शेल्फ से स्टार्ट करते हैं, इस रैक से, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रखी है जो की बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जैसे कि नाइफ, वो सीजर, लाइटर, ये सारी चीज़ें, यहाँ मिक्सर है और यहाँ पे चॉपर है, ऐसी चीज़ें रखी हैं। और इसके बाद सेकंड शेल्फ में है कुछ ग्लास के आइटम्स, तो ये देख सकते हो आप कुछ ग्लास की जो यूटेंसिल्स हैं वो हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें रखी हैं कुछ बॉटल्स जो कि एक्स्ट्रा मसाले के लिए रखा गया है, और इसमें कुछ एक दो बाउल्स रखी हैं क्योंकि स्पेस खाली था, और नीचे वाले स्पेस में ग्लासेस और बाकी बच्चों के कप्स वप्स रखे हुए हैं, तो ये कुछ इस तरह का है। में स्पून, स्पैचुलास, ऐसी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें कुछ ग्रॉसरी है तो ये हम नहीं खोल रहे, और यहाँ पे आता है ग्लास, प्लेट्स और जो चॉपिंग बोर्ड है ये सब, और बाकी जो है ये इन सब में यूटेंसिल्स रखे हैं जो बड़े डिशेस होते हैं ना वो सब रखे हुए हैं, तो ये एक हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का रखा हुआ है, और नीचे से सारे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं ये सब रखा हुआ है। तो ऑल ओवर ये किचन का कुछ इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ऑल ओवर हम आपको एक बार लुक दिखा देते हैं किचन का यहाँ से स्टार्ट करके, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है, एंड किचन बहुत ही अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऐसी मतलब छोटी किचन है तो बहुत मेस हुआ हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, ऑल टाइम ये किचन ऐसे ही रहता है, क्योंकि चीज़ें उतनी रखी गई हैं जो यूज़ होती हैं तो इसलिए ही ऑर्गेनाइज लगती है। बाकी हमें ऐसा भी नहीं लगता कभी कि मतलब यूज़ करने के लिए कोई चीज़ हमें चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनको लेने में ऊपर से या ऐसा कुछ, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सेसिबल है। तो आप देख सकते हो ऑल ओवर इस किचन का लुक कुछ इस तरह का है, और थोड़ी बहुत इसमें मेकओवर बाकी है, जैसे कि वॉल का जो आप देख सकते हो एक साइड वाइट दिख रहा है और दूसरी साइड ग्रे दिख रहा है, तो ये वॉल पेपर लगा हुआ है जो कि वाइट कलर का है, तो वो वाइट कलर पेपर हमें इस तरफ भी लगाना है जो अभी नहीं लगाया है, लगाने के बाद हम आपको शायद दिखा दें, लेकिन फिलहाल इस किचन का लुक ऐसा है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आई होप आपको आज का किचन टूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आप और होम टूर देखना चाहते हैं, जैसे बेडरूम टूर या फिर हॉल टूर, तो वो सब आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर हम धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए यही था, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।